ओ oh गॉड इतना भारी डब्बा था हाथ दर्द हो गए मैंने इसको उठा के पिक्चर क्लिक करवाने में गाइस भर के ट्रेंडी स्टाइलिश बॉटम वेयर होने वाले हैं फ्रॉम अरबैनिक जो आजकल देख रहे हो ना वो लूज बहुत ज्यादा लूज ट्राउजर पैंट्स और पैराशूट ट्राउज़र्स डेनिम का ये वो ब्ला ब्ला स्टफ आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए अरबेनिक से डिस्काउंट कोड के साथ चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ई चैनल आप सबका मेरे चैनल पे स्वागत है मैं हूँ आप सबकी चाहे गीमा आज और सबसे पहले ये बता देना आज मैं कैसी लग रही हूँ आज थोड़ा अलग सा ताम झाम करके मैं बैठी हूँ <laughs> मैंने ये दो सींग निकाले हैं कैसे लग रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना आई नो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है लेकिन लोगों के ना फ्रंट इतने छोटे छोटे बाल होते हैं तो उनकी चोटियाँ यहाँ खत्म हो जाती हैं एंड मेरे फ्रंट के बाल इतने लंबे हैं मुझे नहीं पसंद है फ्रंट से छोटे बाल तो मेरी चोटियाँ थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई हैं चलो एनीवेज कमेंट बताना मेरा लुक कैसा लग रहा है ओके okay, सबसे पहले जाके तो ये कमेंट कर दो वीडियो के बारे हम बाद में करते हैं ज्यादा हो गया सो so, आज का टाइटल आज की वीडियो आप टाइटल से तो परस... क्या बोलना चाह रही so, हूं सो आज की वीडियो तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे आज होने वाले हैं बॉटम वी फ्रॉम अर्बैनिक मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ औरबेनिक को और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े पहनती हूँ औरबेनिक के यार और मेरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट और लोग मुझसे पूछते भी हैं स्नैपचैट पे कि मतलब ये शर्ट कहाँ से है ये वाला पेंट कहाँ से लिया ये लूज फिट ट्राउज़र कहाँ से लिए और आजकल पैराशूट ट्राउज़र्स इतने ज़्यादा ट्रेंडी हैं मैं बस आपको क्या बताऊँ वो लूज फिट बैगे फिट वाले तो वो सब कुछ आपको औरबेनिक में बहुत ह्यूज वैरायटी में मिल जाएगा तो मैंने पर्सनल यूज़ के लिए भी पहले ऑलरेडी बहुत सारे मंगवा के पहन चुकी थी दुबई गई थी मैंने वहाँ पे भी वही सारे पहने थे उसके बाद भी मैंने पहने तो मैंने सोचा अब मैं और मंगवा रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों के लिए एक हॉल वीडियो बना दिया जाए तो वो ये हॉल वीडियो है आप लोग मेरा कूपन कोड गीमा बी यूज़ कर सकते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप न्यू यूज़र हो तो आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप पुराने यूज़र हो पहले भी आपने कई बार शॉपिंग वॉपिंग की है तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा तो चलो मैं दिखाती हूँ क्या क्या है नया स्टफ माल मेरे पास शुरू करते हैं नंबर वन प्रोडक्ट से सो so, सबसे पहला मेरे पास है ये रेड कलर का पॉकेट जॉगर ये 795 मतलब एट हंड्रेड का है ये लूज फिट वाला पूरा जॉगर स्टाइल आप देख सकते हो जॉगर तो होते ही लूज फिट है इसमें दो नीचे से पॉकेट बनी हुए इसलिए इसका नाम पॉकेट जॉगर है और मैंने ना इसका साइज़ स्मॉल मंगवाया है ये मेरे पास बहुत टाइम से आए हुए हैं और मेरा इतना इनको पहनने का मन था लेकिन मैंने फिर भी नहीं खोले कि मैं पहले वीडियो बनाऊंगी उसके बाद ही पहनूंगी नहीं तो आप लोग बोलने लगते हो कि पुराने पुराना दिखा रही है पुराना दिखा रही है तो फर्स्ट टाइम ही मैं इसको खोल रही हूँ मटीरियल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है आप देख सकते हो यार ढीला ढीला है आसन कितना इसका बड़ा है क्या प्रॉपर लूज फिट होने वाला है आपको समझ आ ही रहा होगा कि इसकी वेस्ट आप देख सकते हो वेस्ट तो बिल्कुल परफेक्ट आएगी नीचे से कितना बैगी और लूज़ फिट होगा ये यहाँ पॉकेट दी हुई है और नीचे आपको इलास्टिक मिल जाएगी मटेरियल बहुत ज़्यादा अच्छा है बिल्कुल भी सी थ्रू नहीं है और दोनों तरफ पॉकेट भी हैं पीछे कोई पॉकेट नहीं है अब तो बहुत अच्छा करने लगे ये लोग प्लास्टिक का टैग भी देने लगे हैं पहले ये लोग प्लास्टिक का ये टैग नहीं देते थे तो काफ़ी लोग बहुत विया करके यूज़ करके वापस दे देते दे थे अब तो इस प्लास्टिक के टैग के साथ आप पहन ही नहीं सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है ये फ्रंट बटन आपको ऐसा वाला हुक मिलेगा जिप मैं विया करके आती हूँ इसलिए मैं ये ब्लैक टॉप पहन के बैठी थी कि इसके साथ ये मोस्टली सारे जॉगर्स बेसिक ब्लैक के साथ चले जाएंगे और पूरा लुक आपको समझ आएगा कि कितने सुंदर लग रहे हैं क्या इनका फिट है क्या मटेरियल है मतलब टोटली वर्थ इट अगर मैं नाइन हंड्रेड रुपीज़ के हिसाब से मटेरियल देखूँ और देखूँ कितना ज़्यादा ट्रेंडी है तो चलो इसको विया करके दिखाती हूँ गाइस देखो इस ट्राउजर का फिट कितना परफेक्ट आ रहा है मैंने बोला ना आपको वेस्ट से ही आपको बिल्कुल फिट आएगा सुपर हाई वेस्ट मैंने इसको पहना है ठीक है मेरे बेली बटन से भी बहुत ऊपर इसकी पॉकेट आप देख सकते हो मटेरियल बहुत ज़्यादा प्यारा है इसका ठीक है नीचे से आप देखो कितना ढीला ढाला सा है और ये इधर दो ऐसे पॉकेट दी हुई हैं जिनका कोई यूज़ तो है नहीं जैसे लुक के लिए है तो ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है जैसा दिखाया है एग्जैक्टली exactly सेम वैसा ही आया है और बहुत ऐसा लग रहा है हवा हवादार वाला लग रहा है कुछ चिपका चिपका नहीं लग रहा है बस हाँ वेस्ट से बिल्कुल फिट है मुझे बाकी आप देख सकते हो उसका लुक बिल्कुल सेम है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पॉकेट्स वॉकट्स भी हैं पीछे नहीं बस आगे पॉकेट्स हैं अच्छा है अप नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट मेरा है जिपर वाइड लेग पेंट्स ये खाकी कलर की आप देख सकते हो बूट्स के साथ कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही हैं अगेन लोज फिट है ये तो इसका प्राइस अभी स्क्रीनशॉट पे तो टू ट्रिपल नाइन जीरो दिखा रहा है लेकिन ये मैंने इतने की नहीं ली थी मुझे डिस्काउंट पे मिली थी अभी नहीं ये आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है इस वजह से मुझे रेट नहीं समझ आ रहा कितने का है मुझे जब दिखेगा बिल में जाके मैं बता दूंगी मुझे कितने का पड़ा था इतना कॉस्टली तो मुझे नहीं पड़ा था लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है मैं आपको दिखाती हूँ जो प्रॉपर बहुत अच्छी क्वालिटी वाली पेंट होती है ना गाइज ये वो है आपको नीचे ऐसे पूरा इलास्टिक के साथ ये दिए मिल जाएंगे ये नीचे से लाइक आपको अगर नहीं टाइट करना तो आप ऐसे भी पहन सकते हो टाइट करना है तो आप इसको खींच के इसके साथ जितना आपको एडजस्ट करना है आप इसके साथ उसको एडजस्ट कर सकते हो ठीक है देखो ये भी बहुत ढीली ढाली लूज़ फिट वाला होने वाला है अपना फ्रंट आप देखो इसमें बैक में सिंगल पॉकेट आपको यहाँ पीछे मिलेगी और आगे ना ऐसे ये स्टाइल बना हुआ है साइड से वो स्टाइल नहीं ये तो है तो पॉकेट ही है वो मतलब पॉकेट है और ये पॉकेट के कवर है और ऐसे टच वाला बटन लगा हुआ है मटीरियल बहुत ज़्यादा फाइन है आपको देख के ही लग रहा होगा प्रॉपर जैसे ये जेंट्स लोग का पेंट वाला मटीरियल होता है ना जो वो पहनते हैं शर्ट के साथ ये बिल्कुल वही लग रहा है बहुत कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है बाकी मैं वियर करके ना उसका पूरा लुक एंड फिट दिखाते हैं आप समझ जाओगे कि कितना क्लासी लगने वाला है इस ट्राउज़र को पहन के बिल्कुल लिटरली ऐसा फ़ील आ रहा है कि मैं एक पुलिस वूमेन हूँ और बिल्कुल कलर वही है खाकी मटेरियल काफ़ी फ़ाइन है आप पॉकेट भी देख सकते हो ऐसे पूरी पॉकेट के फ्लैप बंद है जब आप इसको ऐसे खोलोगे तभी यहाँ पे दो आपको पॉकेट मिल जाएंगी बाकी आप इसकी लेंथ देख सकते हो देख सकते हो कितना है मुझे लूज़ है ये मुझे वेस्ट से भी हल्का सा लूज है लाइक हाफ़ इंच लेकिन इतना चलता है ढीला ढाला क्योंकि इसका लुक ही ऐसा है बैक से भी आप देखो कैसा लग रहा है ठीक है ओ वन साइड पॉकेट है इसमें और नीचे से इसमें स्ट्रिंग्स हैं वो अभी मैंने बिल्कुल ढीला पहना हुआ है अब अगर मैं इसके स्ट्रिंग्स टाइट करूँ तो दिखाती हूँ आपको आएगा कैसा लुक हो नीचे से मैंने पूरे स्ट्रिंग्स खींच के उसको टाइट कर दिया ना तो कुछ ऐसा नीचे से टाइट वाला लुक आएगा लेकिन मुझे ना खोल के लूज लूज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं आप देखो ऐसे टाइट और में कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा मैंने ऐसे लोफर्स काइंड ऑफ ये पहने हैं तो मुझे ढीले अच्छे लग रहे हैं वैसे जो इसका लुक है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है बोल्ड लुक चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारी बॉटम uh, है ये बटन स्लिट स्कर्ट 1490 हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ की इसमें दो कलर के ऑप्शन थे ब्लू एंड ब्लैक मैंने ब्लू मंगवाया है मैंने साइज ना इसका स्मॉल मंगवाया काफ़ी बार बैनिक में क्या होता है मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल आता है मोस्टली टॉप वगैरह में लेकिन बॉटम में मुझे स्मॉल बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा टाइट नहीं चाहिए था लूज चाहिए होता है तो मैं स्मॉल मंगवाती हूँ मोस्टली बॉटम में तो ये ये स्कर्ट है आप देखो पहले ना मैं इसको ऐसे देख रही थी और मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि यार ये सॉरी ऐसे देख रही थी और मैं देख रही थी यार ये तो बीच में आ रहा है मैं इमेज में देखो साइड में आ रहा है मैं बहुत देर से कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि आप देखो सेंटर में आ रहा है पीछे से देखो ये जो दो सिलाइयाँ है ये भी सेंटर में है फिर जब मैंने बहुत ध्यान से देखा ना कि इसको अगर आप साइड भी करके पहन रहे हो ना ऐसे साइड करके पहन रहे हो तो भी ये बिल्कुल प्रॉपर लग रही है पीछे देखो ये लाइन अब आ गई बिल्कुल सेंटर में आ गई है ये साइडों वाली लाइन आ गई है और फ्रंट लाइन सेंटर में आई है ये साइड से सारे बटन ओपन हो जाते हैं ये आपकी मर्जी आपको जितना ओपन करना है वहाँ तक पहनो ये दो बटन ऊपर साइड में बंद हो जाएंगे डैनेम की क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन है बहुत स्मूथ डैनेम है, है बहुत अच्छा लग रहा है और डैनेम तो हमेशा इंध रहता ही है ठीक है ये मुझे बहुत अच्छी लगी इसे लॉन्ग स्कर्ट में बाकी मैं वे करके आपको उसका पूरा लुक दिखाती हूँ ये लक कैसी रही है इस स्कर्ट को आप कैसे भी पहन सकते हो लेकिन ना मैंने इसको ऐसे सेंटर पार्टीशन से वियर किया क्योंकि मुझे ना ऐसे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है मैंने पूरे बटन लाइक लगाए हुए हैं मैंने कहीं से भी ऐसा कट नहीं दिया हुआ है पिक्चर में तो ना इसने साइड में पहना हुआ है लेकिन आप देखो सेंटर से भी अगर आप पहनोगे तो इसको आप परफेक्टली ऐसे पहन सकते हो ये कुछ ऐसी लगेगी इसकी लेंथ आप देख सकते हो फिटिंग वाइज मुझे बिल्कुल परफेक्ट आई है ये मटीरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बस इसमें पॉकेट वगैरह एक भी नहीं है अगर हम इसको साइड में करके पहने तो ये कुछ ऐसी लगेगी और एक दो बटन अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ ऐसी चीज लगेगी और साइड से आप बटन खोल दोगे तो इस तरफ ये कट आएगा तो ये इसका लुक कुछ ऐसे आएगा या आपके विषय आपको इसको जिस तरफ करना है आप उस तरफ कर सकते हो तो बैक से ही आएगा ये सेंटर लाइन बिल्कुल ये वाली लाइन बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी और ये कुछ ऐसी दिखेगी फिर जैसा पिक्चर में एक्जैक्टली दिखाया तो आपके ऊपर आप इसको कैसे भी पहन सकते हो जैसा दिखाया है वैसा ही आया है और बहुत मस्त लग रही है ये तो इसके लिए तो मैं आपको थम्स अप देती हूँ नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारा है ये ब्लू कलर का पॉकेट स्ट्रेट लेग पैंट्स 916 हंड्रेड के इसमें दो कलर थे पिंक एंड ब्लू मैंने ये ब्लू मंगवाया है आप देख सकते हो ये बहुत लूज़ होगा बहुत ही बड़ा ढीला सा ठीक है उसके बाद यहाँ से इसका ऐसे नारा टाइप का है आप जितना टाइट करना चाहो उतना टाइट कर सकते हो तो मैं तो यही आपको सजेस्ट करूँगी कि लूज़ लो फिर आप उसको लाइक अच्छे से स्टाइल कर सकते हो मैंने स्मॉल साइज़ लिया है बटन है ज़िप है पॉकेट मिल जाएगी पीछे पॉकेट मिल जाएगी अच्छे खासे लॉन्ग है कार्गो स्टाइल है दोनों तरफ पॉकेट है और नीचे भी सेम हुई चीज़ें आपको ऐसे पहनना है पहनो नहीं तो इसको खींच के जितना टाइट करना है आप कर सकते हो पूरा जॉगर स्टाइल बना सकते हो मटेरियल क्वालिटी बहुत अच्छी है जो कलर दिखाया है वही आया है इन ऐसी पेन से तो मेरा दिल आया हुआ है तो मैंने सोचा क्यों ना हर कलर की ले ली जाए चलो इसको भी अगर के दिखाती हूँ सी है इसका कलर कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है इसमें ना ये दो तरफ से ऐसे स्ट्रिंग्स आप नाड़ा कुछ भी बोलो ये लटके हुए होते हैं आप चाहो ऐसे बीच में भी बांध सकते हो लेकिन उतना अच्छा इसका लुक नहीं आएगा तो एक काम करो एक नॉट यहाँ बांध दो फिर जितना आपको टाइट करना है टाइट करो और दूसरी नोट यहाँ बांध दो तो ना ये कुछ ऐसा लगेगा जितना भी ढीला आपने किया है वो पीछे आ जाएगा और इसमें शायद एक तरफ पॉकेट है हाँ ये पॉकेट है फ्रंट में भी इसकी अच्छी खासी बड़ी पॉकेट है कलर बहुत अच्छा है मटेरियल बहुत अच्छा है और लूज लूज़ फिट पहन के ना मज़ा आ जा रहा है पूरा नीचे से भी देख सकते हो मैंने टाइट नहीं किया है और काफ़ी लॉन्ग है ये मुझे और लॉन्ग भी अच्छे लगते हैं इसके साथ आपको ना थोड़े बल्कि uh, सोल वाले फुटवेयर्स काफ़ी अच्छे लगे जैसे मैंने अभी इसमें पहने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा कूल cool लगते हैं काफ़ी डांस वीडियोज़ में बहुत कूल cool लगते हैं मुझे तो पसंद आ ही रहा है तो ब्लू हार्ट एंड थम्स अप फॉर दिस वन नेक्स्ट दिखाती हूँ अब है हमारी सिम्प्लिसिटी स्ट्रेट लेग पेंट्स ये 1990 हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ की दिखा रहा है लेकिन मैंने इतनी की इसको नहीं ली थी मैंने थोड़े कम में ली थी और ये मुझे बेसिक पेंट्स मुझे चाहिए थी जरूरत थी तो मैंने दोनों दो मंगवाई हैं ये ब्लैक और वाइट दोनों में क्योंकि बहुत अच्छी लग रही थी लाइक वेस्टेड आइड और लूज फिट मैं बोली चुकी हुई ऐसी बॉटम होने वाली है इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे लेकिन मैंने दोनों मंगवा लिए हैं वाइट एंड ब्लैक सी खोले भी नहीं हैं और इकट्ठे दोनों मंगवा लिए हैं देखते हैं अब ये कैसे होने वाले हैं दोनों आपको खोल के दिखाती हूँ दोनों का मटीरियल बिल्कुल सेम है बस वो कलर की वजह से मुझे थोड़ा लग रहा था कि अलग है आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा ढीली ये पैंट्स हैं ब्लैक कलर की पीछे ऐसा ये हल्का सा ये कटआउट भी मिल जाएगा वेस्ट से टाइट और नीचे से ओ माय गॉड ये बहुत ज़्यादा चौड़ी और ढीली होने वाली है ये बहुत मस्त लगेगी पहन के जैसा मुझे लग रहा है देख सकते हो प्रॉपर प्रॉपर प्लेट्स बनी हुई हैं पॉकेट भी है दोनों तरफ फ्रंट में यस दोनों साइड पे पॉकेट है और आपको बैक पे भी इसमें एक सिंगल साइड पॉकेट मिल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही मतलब जैसा मैंने सोचा था ना जो मुझे चाहिए प्रॉपर कोरियन स्टाइल वाले पैंट्स ये बिल्कुल वही है ये तो हो गया अपना ब्लैक वाला सेम मैंने वाइट मंगवाया है सी ये वाइट भी बिल्कुल सेम है पॉकेट बिल्कुल ही सेम मुझे यही चाहिए था बिल्कुल कोरियन चलो ये वाइट सी थ्रू नहीं है देख सकते हो आप हाथ वगैरह मेरा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है सी थ्रू मटेरियल नहीं है काफ़ी अच्छी लग रही है ये मुझे पेंट्स फटाफट से ट्राई करके आती हूँ और आपको मैं इनका लुक दिखाती हूँ सोचो वाइट वाली ट्राई कर लूँ ब्लैक के साथ व्हाइट में आपको आइडिया लग जाएगा और दूसरी ब्लैक तो फिर लगेगी ही वैसी तो चलो ट्राई करके दिखाती हूँ सी सिग्जे बिल्कुल परफेक्ट फिट आया बस इसकी ना क्रीज़ अभी ख़राब हो रही थी तो उस वजह से प्रॉपर क्रीज लाइन इसकी नहीं बन रही है वैसे मुझे ना बिल्कुल परफेक्टली फिट है और इसकी दोनों पॉकेट है वो भी बहुत अच्छी खासी बड़ी है मटेरियल भी बहुत अच्छा है वाइट कलर इतना सी थ्रू नहीं है लेकिन जब इसकी पॉकेट ऐसे बनी हुई है ना तो वो अलग से हाईलाइटेड हो रहा है कि हाँ यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी इसकी पॉकेट है बाकी आप बैक से देख सकते हो ये पॉकेट जैसा स्टाइल बना हुआ है लेकिन इसमें ना पॉकेट है नहीं बहुत परफेक्टली वाइड ट्राउजर पैंट्स आप इनको बोल सकते हो बिल्कुल कोरियन स्टाइल वाली है ब्लैक भी सेम ऐसी है लेकिन मैंने भी सिर्फ वाइट पैंट दिए हैं जिससे आपको आइडिया लग जाए कि कैसी ये और काफी ज्यादा लॉन्ग भी हैं आप देख सकते हो नीचे नीचे से काफी लॉन्ग है और मटेरियल भी काफ़ी स्मूथ है बिल्कुल चुभ नहीं रहा है जैसा पिक्चर में दिखाया एग्जैक्टली exactly वैसे ही आया तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लग रही है जैसी मुझे चाहिए थी लूज़ लूज़ पैंट्स तो मेरी तरफ से थम्स अप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ अब ये है पॉकेट स्ट्रेट स्कर्ट 1490 हंड्रेड के इसमें एक सिंगल कलर था ये बहुत स्मार्ट स्कर्ट मुझे लग रही थी इसको मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ काफ़ी लोगों ने मुझे शॉर्ट्स में देखा होगा हाँ मैं बॉक्स खोल के ये एक स्कर्ट निकाली और मैं पहन के गई थी क्योंकि मुझे स्कर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी शायद ही मैं वही स्कर्ट है मेरे हाथ में हाँ ये वही स्कर्ट है मैं देहरादून पहन के गई थी इसको क्या इसका फिट आ रहा था क्या स्टाइल इस है इसका बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखो क्या परफेक्ट इस, इसका लुक है पीछे दो पॉकेट है देख सकते हो जो फ्रंट से कट आ रहा था ये इसी वजह से मुझे इतनी अच्छी लग रही थी और क्या ऐसे पेंसिल फिट ऐसे स्ट्रेट आ रहा था फिर बहुत अच्छा इसका कलर है आप देख भी सकते हो कि मैं इसको ऑलरेडी पहन चुकी हूँ तो ये गंदी भी हो रही है इसको दिखाने का सिर्फ एक यही रीज़न है काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था ये स्कर्ट कहाँ से है कहाँ से है तो मैंने सोचा था जब मैं बॉटम वेयर का हॉल करूँगी तो इस स्कर्ट को मैं पक्का डालूंगी जिससे आपको इसका लिंक मिल जाओ और पता चल जाए कि हाँ ये मेरी अरबैनिक की ही स्कर्ट थी जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी तो इसको मैं व्या करके नहीं दिखा रही हूँ हो सकेगा तो मैं यहाँ पिक्चर्स और वीडियो चला दूँगी तो आप देख सकते हो कि मैंने वही यही वाली स्कर्ट पहनी हुई है नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट है हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग स्क्रेट स्क्रेट मेरे को हो क्या रहा है स्ट्रेट स्कर्ट ये है सेवन नाइन्टी फाइव रुपीज़ की ये मिनी स्कर्ट है उसी मटेरियल की पैराशूट वाले मटेरियल की लेकिन इसके साथ ऐसा ये हुआ कि ना ये मुझे बहुत ज़्यादा छोटी आई और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैंने क्या सोच के इसको ना एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में मंगवाया था मैंने इसको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ का मंगवा लिया और ये मुझे कहीं से कहीं तक फंस नहीं रही है मैं आपको दिखाऊं क्या इसका लुक था ये इतनी प्यारी स्कर्ट है ना प्लीज़ साइज़ अप कर लेना हर चीज़ मैंने स्मॉल में मंगवाई इसको पता नहीं मैंने क्यों एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवा लिया तो ये मुझे बहुत टाइट है आप देख सकते हो यहाँ साइड से ज़िप है और ये फ्रंट आपकी स्ट्रिंग आप जितना टाइट करना चाहो कर इतनी प्यारी स्कर्ट थी इसका मटेरियल आप देख सकते हो जैसे ना वनशीट चीटर्स होती है बिल्कुल वैसा ही है और यहाँ से भी आप जितना शॉर्ट करना चाहे कर सकते थे दोनों तरफ से ये लिटरली मुझे यहाँ पे भी आएगी इतनी प्यारी थी अब मैंने इसका एक्स्ट्रा स्मॉल मंगा लिया और अब इसकी रिटर्न डेट भी निकल चुकी है तो ये ऐसी रखी है अब छोटी बहनों में से किसी एक को ही गिफ्ट जाएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी है लेकिन थी बहुत प्यारी जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली exactly वैसी बस आप साइज़ अप कर लेना अगर आपको ये बहुत पसंद आ रही होगी तो चलो नेक्स्ट दिखाती हूँ अब है हमारी गैदर्ड स्ट्रेट स्कर्ट सब कुछ इनका स्ट्रेट ही है स्ट्रेट पैंट स्ट्रेट स्कर्ट पैंट स्कर्ट ये है एलेवन हंड्रेड फोर्टी फाइव रुपीज़ का इसमें सिंगल कलर आप देख सकते हो क्या उसका फिट था ऊपर से काइंड ऑफ पेंसिल लेकिन गैदर्ड मटीरियल है साइड से थोड़ा कट है बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने ये मंगवाई है और बहुत मुस सी आई आई डो नो क्यों इसमें पीछे आपको ज़िप मिल जाएगी ठीक है आप इजिली पहन के जिप अप कर लो और आपको दिखाऊँ ये कुछ ऐसी सी है और वो जो मैं आपको कट बता रही हूँ ना वो कट साइड में नहीं है वो कट आपको पीछे मिलेगा बैक से इसमें कट है फ्रंट आपको दिखेगा यहाँ से यहाँ से ऐसे मटेरियल पूरा गैदर्ड है बिल्कुल भी सी थ्रू मटेरियल नहीं है बहुत सॉफ्ट मटेरियल है बहुत मोटा वाला मटेरियल नहीं है बहुत सुंदर लगेगी पहन के लेकिन अभी इसमें आयन की ज़रूरत है तो बहुत अच्छी लगेगी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी कोरियन वाइब्स आएंगे आप बूट्स पहनो ऐसा ब्लैक टॉप और ये बिल्कुल कोरियन लगोगे ऐसी दो सींग और निकाल लेना आप चलो इसको व्य करके दिखाती हो बस अगर आप इसका आयरन वाला फैक्टर हटा दो तो बहुत मुसमुसी सी ये स्कर्ट हो रही है लेकिन इसका लुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट बहुत सुंदर लग रही है ये स्कर्ट आई नो बहुत रिंकल्स इसमें पड़े हैं अगर आप वो चीज़ इग्नोर कर दो तो आप देख सकते हो तो पूरा गैदर्ड फैब्रिक का फ्रंट लुक कितना बढ़िया आ रहा है और परफेक्ट इसकी फिटिंग है पीछे दे है तो आप इजीली उसको वियर कर सकते हो और आप देखो इसका पूरा लुक कलर बहुत ज़्यादा अच्छा है ग्रे इसका और पीछे है इसमें ये पूरा जो कट है ना आगे नहीं मिलेगा आपको ये कट ना साइड में बैक में जैसे चलने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतनी लॉन्ग स्कर्ट है तो आप ऐसे ऐसे करके तो चलोगे नहीं आपको थोड़ा कट चाहिए जिससे आप चल पाओ लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मार्ट लग रही है मुझे तो देख सकते हो बहुत प्यारी है थम्स अप के लिए मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ नेक्स्ट हमारी है नॉट स्कर्ट ये है थ्री हंड्रेड नाइन्टी सिक्स रुपीज़ मतलब चार सौ रुपये की स्कर्ट है, है। इसमें चार कलर थे लेकिन मैंने ब्लैक कलर मंगवाया आप देख सकते हो साइड में बांधने वाला जो ऐसे कटआउट थे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे हाँ थोड़ी ज़्यादा रिविलिंग स्कर्ट है लेकिन काफ़ी अच्छी लग रही थी कि ले सकते हैं कभी बीच बीच में गए तो इसको पहन सकते हैं ये स्कर्ट है आप देख सकते हो यहाँ और यहाँ से बंधेगा तो ये ये वाला पार्ट इसका बहुत ज़्यादा छोटा है तो लाइक बिल्कुल अपर थाई तक आएगा आप चाहो तो इसके नीचे लाइक थोड़ा सीमलेस पहन लो लेकिन फिर वो ये ना ये लुक नहीं आ पाएगा उस तरीके से पूरा ये पूरा ऐसे ओपन हो जाएगा तो जितना आपको जैसे बांधना है जितना भी टाइट आपको करना है आप अपनी थाई पर ऐसे उसको टाइट बांध सकते हो बस मैंने ये चीज़ इसको इतना छोटा एक्सपेक्ट नहीं किया लेकिन ये पार्ट बहुत छोटा आया तो हाँ बहुत ज़्यादा रिविलिंग है लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छी भी लग रही थी और बहुत स्ट्रेचेबल है सी थ्रू नहीं है मटेरियल काफ़ी अच्छा है चार सौ रुपये के हिसाब से मुझे ठीक लग रही थी आप इसको देख सकते हो चलो फिर भी देखती हूँ भी अगर क्या आपको दिखा पाई तो मैं इसको सी गाइज़ मैंने आपको ये बोला था ना कि ये इधर से काफ़ी शॉर्ट है और इसक्रीन से आपको सीमलेस वियर करना पड़ेगा मुझे था कि थोड़ा लॉन्ग आएगा तो ये कुछ ऐसा लगेगा आप देख सकते हो यहाँ से दोनों तरफ से आपको बांधना और ये इसका पेंसिल फिट ये ब्लैक कलर की स्कर्ट है बाकी आप इसका फिट लुक देख सकते हो कैसा आ रहा है हाँ बस ये हल्का सा इशू लग रहा है मुझे तो इसलिए मैं थोड़ी ऐसी ऐसे हूँ नेक्स्ट दिखाती हूँ अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है नॉट स्ट्रेट लेग पेंट्स नाइनटीन नाइन्टी रुपीज़ की थी इसमें दो कलर है वाइट एंड ब्लैक ये गाइस मैं ऑलरेडी पहन चुकी हूँ फिर से चश्मा लगा हुआ है क्योंकि फ़ोन देख रही थी मैं ये मैं पहले आ... पहन चुकी हूँ मैं इसको पहन के डेली गई थी मतलब डेली में जब थी तब मैंने इसको पहना था ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे और मैंने शायद स्नैपचैट पे डाला भी था कि मैं इत, मैंने पहन लिया मैंने बिल्कुल नोटिस नहीं करा कि ऊपर वाला टैग तो मैं कट कर चुकी हूँ मुझे नहीं पता था कि इसमें अंदर की तरफ भी एक टैग लगा हुआ है तो जब मैं बैठी है मुझे चुभा बहुत देर बाद देखता हूँ मुझे चुभा तब मैं नोटिस करती हूँ बापरे अंदर तो पूरा टैग लगा हुआ है मैं इसको ऐसे पहन के घूम रही हूँ मॉल में प्रॉपर वाइट कलर का ये है बहुत लूज फिट में इसमें पीछे भी पॉकेट है नहीं ये वो है ही नहीं ओ शिट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने दो दो वाइट कलर के मंगवा लिए ओ गॉड वो तो शायद धुल के मैंने अंदर रखा हुआ है ये ब्लंडर मिस्टेक सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ मैंने एक जैसे से दो वाइट कलर के मंगवा लिए हैं शर्ट मैन दिस इज मी ये अलग है जब मैंने इसमें ये लगा हुआ देखा तब मैंने सोचा कि यार मैं तो कट कर चुकी हूँ ये दूसरा है ये न्यू है कोई ओ शर्ट इसमें पीछे पॉकेट है नीचे से भी आपको ऐसे स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे बांधने के लिए गाइस ये अलग है और दोनों वाइटर और देखने में सेम लग रहे हैं मैंने पता नहीं किस झांझ में ऑर्डर लगा दिया था मैं अब इस वाले का ज़रा मैं स्क्रीनशॉट ढूंढती हूँ कि ये है कौन सा ये वाला जो स्क्रीन शॉट है वो इस ही प्रोडक्ट का है नीचे सैंडल से भी सेम ऐसे ही ये स्ट्रिंग निकले हुए इसने बांध रखा है अच्छा तो बहुत लग रहा है स्मार्ट भी बहुत लग रहा है लेकिन बस बात वही होगी ना दोनों वाइट वाइट कलर के कुछ डिफरेंस इतना पता नहीं चलेगा चलो एनी अब इसको वीआ करके के भी दिखाई देती हूँ मम्मी वीडियो देखेंगे तो पक्का मुझे बहुत ही बातें सुनने को मिलने वाली हैं वी करके आती हूँ सी गाइज वो ये था जो मैंने पिक्चर में दिखाया आपको इसमें दोनों आगे भी पॉकेट थी पीछे भी पॉकेट थी ये इसका लुक था नीचा बी स्ट्रिंग्स थे तो ये था पहले जो मैंने मंगवा के मैं पहन चुकी हूँ और ये था न्यू और मुझे लगा कि मैंने वही वाला पैक किया हुआ है ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है लेकिन हमे पास दो दो हो गए ये कह सकते हो इसमें भी वही फ्लैप वाला पॉकेट वाला वो है स्टाइल लेकिन उसका मटेरियल अलग था इसका मटेरियल बहुत अलग है यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग्स बन जाएंगे नीचे इसमें बस ये है कि पैरों में आपको ऐसे फ्रंट में ये स्ट्रिंग्स बनते हुए दिखेंगे लेंथ अच्छी खासी लंबी है बहुत ब्रॉड है बहुत लूज है बहुत मस्त इसका स्टाइल है काफ़ी अच्छा लग रहा है मटीरियल भी बहुत अच्छा है और आजकल तो पता है कितने ज़्यादा ट्रेंडी ये चल रहे हैं तो चलो दो हो भी गए तो कोई बात नहीं एक गंदवा दूसरा पहन लूँगी ये तो मम्मी के डांट से बचने के लिए मैं बोल रही हूँ लेकिन मैं भूल गई थी कि मेरे पास ऑलरेडी एक है तो चलो एनी वेज ये भी बहुत अच्छा है मेरी तरफ से थम्स अप है मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ सो गाइज जो लास्ट हमारा लाइक like, पीस बचा है ना मेरे हाथ में वो मैं बॉटम कैटेगरी में डाल रही हूँ है वो डांगरी अब मैं उसको किस कैटेगरी में डालती मैं कैसी में डाल देती हूँ जब सब कुछ मैं लूज़ फ़िट और बैगी फिट में दिखा रही हूँ ये नाइनटीन हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ की डांगरी इसमें एक ही है ब्लू कलर था आप देख सकते हो क्या फिट आ रहा है पूरा लूज बैगी फिट है और डेनिम मटीरियल है डांगरी भी बहुत ज़्यादा इन है और अच्छी भी बहुत लगती है तो मैंने इसलिए मंगवाई है ये मेरा हमेशा से मन होता था डांगरी पहनूं लेकिन कभी भी ना वो परफेक्ट फिट नहीं मिलता था और अभी भी मैं बहुत डाइसी हूँ कि पता नहीं ये कैसी आएगी लूज़ फ़िट में मेरे ऊपर झोला लगेगी या अच्छी लगेगी मुझे नहीं पता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी है आप देखो नीचे से कितनी ज़्यादा वाइड और चौड़ी है इसकी ये लेग्स इतनी ज़्यादा चौड़ी है ये इसका वेस्ट है ठीक है और ये इसका लाइक पूरा ऊपर लगेगी तो ये बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा ढीली लेकिन अच्छी भी लग सकती है बुरी भी लग सकती है मुझे नहीं पता बाकी मैं एक बार इसका साइज और कंफर्म कर लेती हूँ इसका साइज़ एक्स्ट्रा स्मॉल है आप देख सकते हो एक्स्ट्रा स्मॉल में ये इतनी ज़्यादा ढिल्लम ढीली है अब या तो ये अच्छी लगेगी या ये बहुत बेकार लगेगी चलो मैं इसको विया करके आती हूँ और देखते हैं कैसी रहती है ये सो so, ये है अपना लास्ट प्रोडक्ट और जैसा पिक्चर में दिखाया था एग्जैक्टली exactly ये उतना ही लूज है एक्स्ट्रा स्मॉल इसका साइज़ है और ये काफ़ी ज़्यादा लूज है बल्कि मैं सोचती थी इसको थोड़ा और इसके बटन थोड़े ऊपर लगे होते तो मैं इसको थोड़ा और ऊपर करके पहनती तो थोड़ा और सही आता अभी तो बहुत ज़्यादा बैगी आप देख सकते हो यहाँ तक भी कितना ज़्यादा इसे डीप कट ये दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला है लेकिन उतना ही ज़्यादा फंकी और अच्छा सा लग रहा है मैंने नीचे से इसको फोल्ड किया है लेंथ में भी है बहुत लंबा आप इसका पूरा लुक देख सकते हो बैक से साइड से काफ़ी अच्छा है अगर किसी को चाहिए हो इतना लूज लूज जैसे मुझे चाहिए था तो मैंने मंगवाया एग्जैक्टली exactly सेम आया तो उन सब रीजनस की वजह से तो मुझे बहुत पसंद आया मेरा तो थम्सअप है चलो फाइनली लास्ट प्रोडक्ट भी हो गया सो गाइज दैट्स इट ये थे काफ़ी सारे जो मैंने अलग अलग तरीके के बॉटम्स ट्राई किए फ्रॉम अर्बैनिक आई होप अब आपको समझ आ गए होंगे कि किस तरीके के पैराशूट ट्राउजर्स उनका क्या मटेरियल क्या लुक एंड फिट रहता है मैंने काफ़ी कुछ ट्राई करे बेसिक पैंट्स ट्राउजर्स डैनम और स्कर्ट वगैरह जो जो मुझे बहुत अच्छी अच्छी वराइटी दिख रही थी अर्बैनिक से और जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी मेरी चॉइसज़ अच्छी लगी होंगी और आप रिलेट कर पाएंगे कि आजकल जो चल रहा है वो आप ढूंढ भी रहे होंगे काफ़ी सारे लोग कि हम इस तरह की पेंट्स कहाँ से ले तो आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छा इसमें से कौन से चीज लगी कौन सा बॉटम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और अगर आप कुछ शॉपिंग करना चाहते हो और बैनिक से करो आप शॉपिंग तो मेरी तरफ से आपको एक डिस्काउंट कोड मिलेगा ये है गीमा बी ट्वेंटी थ्री साथ में लिखना है पूरा आपको स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा होगा कैसे आपको कोड डालना है जब आप पूरा एड टू कार्ड करके अपना जब ऑर्डर लगा रहे होते हैं वहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आप ये डालोगे तो आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा अगर आप न्यू यूज़र हो अगर आप ओल्ड यूज़र हो तो अगेन आपको फिफ्टीन का डिस्काउंट हो तो भी मिलेगा और काफ़ी सारे डिस्काउंट अभी भी चलते रहते हैं और बैनिंग पर तो आप जाके देख ही सकते हो मैं खुद बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ तो आप लोग को पता ही होगा कि हाँ कितने कपड़े अर्बैनिक से होते हैं तो है ही मेरा वो पर्सनल फेवरेट मैंने पहले ही बोल दिया था तो ये है आप मुझे देखते ही रहोगे इन सब बॉटम्स में कभी ना कभी पहने हुए तो आपको समझ आ जा जाएगा कि मैंने कहाँ से लिया था बाकी दैट्स इट थैंक यू सो मच मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए और प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना कि अब आप अर्बैनिक से क्या देखना चाहते हो या आपको और कौन सी क्या वीडियो देखनी है तो वो मैं आपके लिए जरूर लेके आऊंगी बस इस तरह से ही मुझे और मेरी वीडियोस को प्यार देते रहिए मैं यहाँ बैठी हूँ आप सबका प्यार बटोरने के लिए चलो राइस जल्दी ही मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय लव या